शारदा बाल निकेतन माध्यमिक कलाएँ कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे विद्यालय के बारे में। तो पिछले अध्याय में हमने विद्यालय के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे परिचय के बारे में। यानी ऋचा और प्रणव नाम के भैया बहन आपस में बातचीत करते हैं, तो संस्कृत में किस प्रकार कक्षा में वार्तालाप किया जा सकता है, तो जिसको संभाषण कहते हैं बातचीत करने का। तो सबसे पहले हम समझेंगे शब्दार्थ। तो सबसे पहले है संभाषण का अर्थ होता है बातचीत। अब ऋचा और प्रणव नाम के भैया बहन आपस में बातचीत करते हैं, तो जैसे नाम है तव, तव का अर्थ क्या होता है? तव यानी तेरा। आगे नीचे नाम है मम, मम का अर्थ होता है मेरा। फिर है त्वम, त्वम का अर्थ है तुम। अहम का अर्थ है मैं। अत्र, अत्र का मतलब है यहाँ। एव, एव का अर्थ है ही। पठामी, पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। इदानीम, इदानीम का अर्थ है अब या इस समय। तो इदानीम के दो अर्थ हैं, अब भी है और इस समय भी है। आवाम, आवाम का अर्थ है हम दोनों। मित्र, मित्र यानी मित्र, द्विवचन का शब्द है तो यहाँ दो मित्र हो जाएगा। यह स्व, स्व का अर्थ है हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले ये सोपान लिखा हुआ है, ऋचा और प्रणव नाम के भैया बहन बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमने इनके शब्दार्थ समझे, जैसे तव नाम, तव यानी तेरा, मम यानी मेरा, त्वम यानी तुम, एम का अर्थ है मैं, अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, पठामी यानी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, इदानीम यानी अब या इस समय, आवाम यानी हम दोनों, मित्र यानी मित्र, और स्व यानी हैं। तो इस प्रकार ये बातचीत की गई है। तव नाम किम, अब हम समझेंगे इसका हिंदी अनुवाद। तव नाम किम यानी तेरा नाम क्या है? ये बहन भैया से पूछती है तव नाम किम यानी तेरा नाम क्या है, तो भैया आपस में बता रहा है मम नाम प्रणव है, यानी मेरा नाम, मेरा नाम प्रणव, प्रणव है। फिर है तव नाम किम, तो भैया है बहन को वापस पूछता है तव नाम किम, तेरा नाम क्या है? तो बहन बताती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम, मेरा नाम ऋचा है। फिर बहन पूछती है भैया से तुम कुत्र पढ़सी, तुम कहाँ पढ़ते हो?
तो भैया कहता है अहम अत्रैव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। बहन कहती है अहम अपि अत्रैव पठामि, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवा मित्रेश्व, अब हम कह सकते हैं अब या इस समय हम दोनों मित्र हैं, या अब भी लिख सकते हैं अब हम दोनों मित्र हैं। तो इदानीम का दो अर्थ हैं, जैसे अब भी कह सकते हैं इस समय भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा संभाषण करने का जो सोपान है, तो जिसमें तव नाम किम, तेरा नाम क्या है, मम नाम प्रणव, यानी मेरा नाम प्रणव है, तव नाम किम, तेरा नाम क्या है। इसी प्रकार फिर बहन पूछती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है, तुम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। अब अहम अपि अत्र एव पठामि, बहन भी कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। तो इसका मतलब है वो भैया बहन दोनों एक ही जगह पढ़ते हैं और एक ही कक्षा में पढ़ सकते हैं, इसीलिए आगे लिखा है इदानीम आवा मित्रेश्व, इस समय हम दोनों मित्र हैं, या अब हम दोनों मित्र हैं। तो इस प्रकार संस्कृत में कक्षा में किस प्रकार बातचीत कर सकते हैं, किस प्रकार संस्कृत में अपना परिचय दे सकते हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा है। यह हमने परिचय का एक प्रकार पढ़ा। दूसरा प्रकार है जिसमें भी हम भैया बहनों से कक्षा में परिचय कर सकते हैं, जैसे बहुत है नाम किम, तो ये एक परिचय का, यहाँ तो तव नाम किम से परिचय हुआ। दूसरा परिचय का जो प्रकार है जिसमें हम भवतः नाम किम से भी परिचय कर सकते हैं, और यहाँ परिचय में उत्तर भी लिख सकते हैं मम नाम, और यहाँ अपना स्वयं का नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये परिचय करने का दूसरा भी प्रकार हुआ, जिसमें भैया से बात करेगा तो वो भवतः नाम किम से बात करेगा। अगर यही प्रश्न अगर बहन से करते हैं तो भवत्या नाम किम, तो ये दूसरा जो प्रश्न हुआ। तो बहन किसी बहन को पूछती है या भैया किसी बहन को पूछता है, तो इसमें भवत्या नाम से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा मम नाम, और यहाँ बहन अपना नाम लिख सकती है। तो इस प्रकार ये परिचय का दूसरा भवत्या और भवत्या से। अब हम पिताजी का नाम पूछ सकते हैं, माताजी का पूछ सकते हैं, तो पिताजी के नाम के लिए भी बहुत है जन कैसे नाम किम, तो जन के शब्द है ये पिता के लिए है, जन के कहते हैं संस्कृत में, तो इसलिए बहुत है जन कैसे नाम किम, तो आपके पिताजी का नाम क्या है, तो यहाँ उत्तर हो सकता है मम जनकस्य नाम, और या अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये परिचय करने का दूसरा भी प्रकार हुआ, जिसमें हम भवतः नाम किम, भवत्या नाम किम, भवतः जनकस्य नाम किम। अगला प्रश्न है माताजी का नाम पूछना है, तो जैसे भवतः जनन्या नाम किम, तो उत्तर हो सकता है मम
जनन्या नाम और आगे अपनी माताजी का नाम लिख सकता है। तो बहुत जनन्या नाम किम, यानी आपकी माताजी का नाम क्या है। इसी प्रकार हम जब पूछ सकते हैं आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, तो विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे तो प्रश्न बन सकता है बहुत विद्यालय से नाम किम, तो यहाँ उत्तर हो सकता है मम विद्यालय से नाम शारदा बाल निकेतन माध्यमिक आलाय। तो जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ विद्यालय का हम नाम लिख सकते हैं, यहाँ जरूरी नहीं है कि हम शारदा बाल निकेतन आलाय का ही नाम लिख सकते हैं। हम दूसरे जहाँ भी विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ अपने अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कक्षा में संस्कृत में संभाषण करने का जो आज हमने सीखा है, तो इसके दो प्रकार है, एक तो तव नाम से और एक बहुत नाम से। तो इस प्रकार हम संभाषण कर सकते हैं।